वेतन वृद्धि की मांग को लेकर देश भर में बैंक कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। वेतन बढ़ाए जाने को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक सहित अन्य बैंकों के कर्मचारियों ने 30 मई से 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल आरंभ किया है। आंदोलन के इसी कड़ी में पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक सहित अन्य बैंकों के कर्मचारी मंगलवार को बैंक रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एकत्र हुए, जहां उन्होंने एक जनसभा करने के बाद विरोध रैली निकाली। ये रैली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निकलकर विजय चौराहा, गणेश चौराहा, इंदिरा बाल विहार, कलेक्ट्रेट चौराहा, टाउन हॉल, एडी तिराहा होते हुए वापस बैंक पहुंचकर समाप्त हो गई। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि उनकी वेतन वृद्धि की मांग 1 नवंबर 2017 से लंबित है, जिस पर अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है, जिसमें बैंक कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। विरोध रैली में एमपी कश्यप, के तिवारी, राजेश श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार सिंह सहित बैंक के कई कर्मचारी शामिल रहे। गुरुपुर न्यूज से बात करते हुए बैंक कर्मचारी एमपी कश्यप ने कहा कि उनकी मांगे यदि पूरी नहीं हुई तो आगे ये वृहद आंदोलन का रूप धारण कर लेगा। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग है कि गवर्नमेंट हमारे जो वेतन पुनरीक्षण की बात है उसको सम्मानजनक तरीके से हमें दे। हम गवर्नमेंट के साथ हमेशा खड़े होते हैं, उनके योजना में हमेशा उनका साथ देते हैं। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री को चाहिए कि हमें कम से कम सम्मान दें, हमारा जो वेतन पुनरीक्षण होना है वो सम्मानजनक तरीके से। फिर आगे क्या करने वाले हैं? आगे हमारा 2 दिवसीय हड़ताल चल रहा है आज और कल है। इसके बाद अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हो सकता है कि हमें डिफिनेशन स्ट्राइक हो जाए।